वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन ग्रीन रख रहा हूं, आप लोग स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा, नहीं नजर आए तो छोड़ दीजिएगा। हाँ। अच्छा, मेरी टीम में जो है IOC, BPC, HPC दिखाई है, तीनों ऑयल कंपनीज हमने ली रिटेलिंग वाली। आपने देखा होगा पिछले दो दिन में MRPL और चेन्नई पेट्रोलियम में जबरदस्त तेजी मिली, यानी पिछले दो हफ्तों में 60-60% वो स्टॉक चले हैं। सर्किट फिल्टर बदलना पड़ेगा, 10-10 टका कर दिया आज के लिए। एक्चुअली और वो इसीलिए चले क्योंकि उन्होंने बहुत पहले आपसे कहा था कि रिफाइनर, जो प्योर रिफाइनर है उनका रिटेलिंग काम नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा क्वार्टर था ये, इसीलिए स्टॉक चले। आज मैं ये तीनों रिटेलर को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिफाइनर और रिटेलर दोनों हैं। जो कल एक गवर्नमेंट का डेटा रिलीज हुआ है उसके मुताबिक मार्च महीने में जो क्रूड प्रोसेस किया गया है, रिफाइन किया गया है, वो 6.4% की ग्रोथ दिखाता है। ये ग्रोथ काफ़ी बड़ी है, 5.28 मिलियन बैरल इन्होंने प्रोसेस किया है। अब इसको अगर हम आपको और आसान भाषा में बताएं तो मार्च महीने में जो टोटल डिमांड सप्लाई ये सब कुछ देखने को मिली है वो 3 साल के हाई पे पहुंच गई है। ध्यान रखिएगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होने की संभावना नहीं है, डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। 3-ईयर हाई पे पेट्रोल डीजल केरोसिन ATF सब की डिमांड जा रही है। तो ये रिफाइनर्स के लिए और अब रिटेलर्स के लिए, क्योंकि रिटेलर्स को अगर डिमांड बहुत तेज़ है और वो प्राइस हाइक ले रहे हैं और उनकी किस्मत से क्रूड स्टेबल हो गया है तो ये उनके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। तो तीनों ही इन रिटेलर कंपनी को मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, हम लोग बहुत दिनों से इनको कह रहे थे, आप IOC का प्राइस खासतौर पे देखिए कितना बढ़िया मूव इसमें आया हुआ दिखा है क्योंकि डिमांड बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आज तीनों ऑयल रिटेलिंग कंपनीज पे ध्यान रखना चाहिए, तीनों OMCs। और वो कल भी बढ़िया मूव दिखा रही थी जब वो रशिया से ज़्यादा